सीएम योगी का दो दिनों का गोरखपुर दौरा, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम ने की शिरकत। अपने संबोधन में सीएम ने कहा, यूपी सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने की शिष्टाचार भेंट, सीएम आवास पर हुई मुलाकात। योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लॉगिंग, मोहर, वाराणसी नगर निगम की सीमा का होगा विस्तार, आगे बढ़ाई जाएगी ग्राम में विकास की योजनाएं। योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या में कॉरिडोर बनने का फैसला, काशी की तर्ज पर बनेगा कॉरिडोर, मुख्य मार्गों को चौड़ा किया जाएगा। नगर निगाहों के लिए एक समिति बनेगी, बैठक में नगर विकास से जुड़े कई प्रस्ताव पास। योगी कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी मिली, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 550 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सीएम योगी की रामगोपाल यादव से मुलाकात पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, रामगोपाल यादव ने जिसकी पैरवी की है वो अपराधी है, योगी सरकार किसी भी अपराधी खिलाफ नरमी बरतने वाली नहीं। सीएम योगी की रामगोपाल यादव से मुलाकात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, समाजवादी पार्टी हमेशा से करती आई अपराधियों की पैरवी, योगी सरकार में किसी गुंडे बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम से रामगोपाल की मुलाकात पर बड़ा खुलासा, भूमाफिया की पैरवी करने पहुंचे थे रामगोपाल यादव, एटा के भूमाफिया रामेश्वर और जोगेंद्र यादव की पैरवी की। सीएम योगी की रामगोपाल यादव की मुलाकात पर बोले अरुण राजभर, मुलाकात को डर की डील करार दिया, क्या समाजवादी पार्टी ईडी और सीबीआई की से डरी हुई है। पीएम मोदी, सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर बदली अपनी प्रोफाइल पिक्चर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभी सांसदों को दिए निर्देश, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा को लेकर विशेष कार्यक्रम, सोशल मीडिया पर तिरंगे को लेकर बनाएंगे डीपी। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में 900 सरकारी वकील किए गए बर्खास्त, पिछली सरकारों में वकीलों की भर्ती में हुई थी गड़बड़ी। एमएलसी उपचुनाव सपा प्रत्याशी कीर्ति कौल का पर्चा हुआ रद्द, उम्र कम होने की वजह से रद्द हुआ पर्चा, उम्र सीमा कम से कम 30 होनी चाहिए थी, कीर्ति कौल ने पर्चे में उम्र 28 साल बताई। रामपुर में ISIS के धमकी भरे पत्र के बाद सहमा परिवार, गांव के कई लोगों का नाम शामिल, पुलिस और आईबी की टीम जांच में जुटी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत योगी सरकार हर घर में तिरंगा अभियान चलाएगी, राज्य मंत्री दानिश अंसारी का बड़ा बयान, मदरसे के छात्रों में जगाएंगे देशभक्ति की अलख, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे शामिल। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामला, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मामले पर हुई सुनवाई, आज एप्लीकेशन के एडमिशन पर होगी सुनवाई, कोर्ट तय करेगा कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट है या रिजेक्ट की जाएगी। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली मामले की सुनवाई, अब 11 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई, मथुरा को जिला अदालत में 8 अगस्त को सुनवाई पेंडिंग है, सुनवाई पेंडिंग होने की वजह से हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने गांव की एंट्री पर विशेष समुदाय के लोगों के भीड़ लगाने पर आपत्ति जाहिर की, राजा उदय प्रताप सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया, प्रवेश द्वार पर लगे भीड़ को हटाने की मांग की। कानपुर हिंसा के आरोपी हाजी वसी और सपा एमएलए के संबंधों पर बड़ा खुलासा, हाजी वसी की फर्म में पार्टनर है सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम, गुमनाम लेटर के आधार पर जांच में जुटी SID। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर ईडी ने दर्ज किया केस, DDGI और DRI की FIR के आधार पर एक्शन, दिसंबर 2021 में मारे गए छापे में 197 करोड़ कैश और 23 किलो सोना हुआ था बरामद। अयोध्या में मुस्लिम इंटर कॉलेज में 11वीं क्लास के 2 हिंदू छात्रों को कॉलेज से निकाला, क्लास में हनुमान चालीसा पढ़ने पर स्कूल से निकालने का है आरोप। मुस्लिम इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट ने बच्चों पर धार्मिक उन्माद फैलाने का लगाया आरोप, छात्रों को स्कूल से निकालने पर हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी। विश्व हिंदू परिषद ने मामले की जांच करने कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की मांग की, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर झूलन उत्सव का आयोजन, चांदी के झूले पर विराजमान हुए रामलला, विधि विधान से श्रृंगार के बाद झूले पर हुए विराजमान, रामलला के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी हुए विराजमान। रामपुर में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां का आचार संहिता उल्लंघन में दोषी करार, MPMLA कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की साधारण कारावास और 1,000 रुपए का जुर्माना। बरेली मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक और तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की तस्कर चकवाल की 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की संपत्ति। नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए आज से लगेगा विस्फोटक, खंभों में किए गए करीब 10,637 किलो विस्फोटक का होगा इस्तेमाल, 21 अगस्त को होगा धमाका।
वाराणसी में बीएचयू के केंद्रीय विद्यालय के छात्र धरने पर बैठे। स्कूल के प्रिंसिपल के सस्पेंड करने पर स्कूल के छात्र बैंक ने खुदकुशी की। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कार्रवाई की बात। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में दादा पोता समेत तीन की दर्दनाक मौत। एक गंभीर रूप से घायल। जमीन रंजिश में कार से कुचलने का आरोप। परिजनों ने किया हंगामा। गायिका फरमानी नाज के समर्थन में उतरा मुस्लिम राष्ट्र मंच। फरमानी नाज ने गाया है हर हर शिव शंभू गाना। कासगंज में पुलिस ने फर्जी एसएमओ को किया गिरफ्तार। बोलेरो गाड़ी में बैठ झूला चार डॉक्टरों से कर रहे थे उगाई। मौके से चार साथियों को दबोचा। आगरा में कुरियर कंपनी में दिन दहाड़े लूट में एक अभियुक्त को और गिरफ्तार किया। आरोपी ने दिन दहाड़े लूटे थे 40 लाख रुपए, 3 लाख नकद, एक तमंचा, स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद। मुरादाबाद में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के गैंग के खिलाफ एफआईआर। गैंग की तलाश में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में पत्नी को साथ न भेजने से नाराज शख्स पानी की टंकी पर चढ़ा। पुलिस के समझाने पर नीचे उतरा शख्स। प्रयागराज में घर में सूती समेत पति पत्नी पर धारदार हथियार से हमला। हमले में पति की हुई मौत। पत्नी को गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल भर्ती। रामपुर में लड़की की गला रेत कर हत्या। प्रेमी पर लगा हत्या का आरोप। थाना मिलक इलाके की घटना। बहराइच में साइकिल चोरी के करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार। चोर के कब्जे से चोर की 9 साइकिलें बराबर। लखीमपुर खीरी के नीब गांव में इलाके में मिट्टी से लदा ट्रक भी काबू होकर थाने चौकी में जा घुसा। हादसे में थाने में मौजूद पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। बिजनौर में खस्ताहाल बसों की खतरनाक तस्वीरें चांदपुर डिपो की है। बस का ब्रेक फेल होने से हादसा। बेकाबू बस दुकान में जा घुसी। आगरा की मार्केट में लॉन्च हुआ सोने का देवर। इसमें 24 कैरेट गोल्ड की परतें चढ़ी हुई। इसकी कीमत 25,000 रुपए। नेहरू नगर और फतेहाबाद रोड स्थित ब्रज रसायन पर घेवर कस्टमर से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चित्रकूट के रेपुरा थाना क्षेत्र में गांजा पीने पर ग्रामीणों में आपस में झगड़ा। दो लोगों ने मिलकर जमकर लाठी डंडे से पीटा। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने डॉक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाया। कार्रवाई की मांग को लेकर बैठे धरने पर। कानपुर में नाग पंचमी पर इकलौते नाग मंदिर बाबा खेरेपति में उमड़ा भक्तों का हुजूम। नागों को दूध पिलाकर मांगा खुशहाल जीवन का आशीर्वाद। जसपुर में आगामी त्यौहार मुहर्रम में शांति व्यवस्था के लिए थाना परिसर में पीस कमेटी और मुहर्रम कमेटी के साथ बैठक की गई। क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी काशीपुर और उप जिला अधिकारी जसपुर ने लोगों के साथ बातचीत की। अल्मोड़ा में प्रांतीय खंड कार्यालय के बाहर ठेकेदारों ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। 5 गुना अधिक रॉयल्टी को लेकर जारी हुआ शासनादेश के बाद ठेकेदारों में आक्रोश बना हुआ है। मुरादाबाद में हरिहर मंदिर पर जल चढ़ाने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने रोका। पुलिस के रोकने पर शिव सैनिकों को और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार पिकअप डिवाइडर से टकराई। पिकअप सवार पिता पुत्र की हुई मौत। दूध भरे डिब्बे लादकर लखनऊ की ओर जा रही थी पिकअप। बस्ती के बड़नी गांव में दिव्यांग की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चने की दुकान लगाता था मृतक। बिजनौर में बाइक सवार ने सिपाही को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में सिपाही की हालत नाजुक। हायर सेंटर किया गया रेफर। प्रतापगढ़ में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हादसा। छात्रों से भरे टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटे। हादसे में 4 छात्राएं गंभीर रूप से घायल। मथुरा के बरसाना स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की दबंगई का ऑडियो वायरल। संविदा कर्मी को फोन कर नौकरी से हटाने की धमकी। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की। कुशीनगर में लगातार बढ़ रहा नारायणी नदी का जलस्तर। 2,67,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद उफान पर नारायणी नदी। नदी किनारे दर्जनों गांव के लोगों को सत्ता रहा है कटान का खतरा। उन्नाव में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव। रघुपति राघव राजा राम भारत माता के जय का उद्घोष। घर घर झंडे लगाए जाएंगे हज पर। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री का हर घर तिरंगा अभियान बना। लाखों परिवारों के लिए रोजगार का साधन। महिलाएं बोली रोजगार देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। सीनियर सिटीजन को ऑनलाइन होम डिलीवरी। जौनपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल की विदाई समारोह। कर्मचारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। देवरिया में लगातार बारिश के बाद नदियों में उफान। नदी के कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कटान से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान भी बाबा के बुलडोजर का क्रेज। कांवड़ियों के गंगा जल लाने के लिए भी कर रहे बुलडोजर का इस्तेमाल। कछला से जल लेकर बरेली पहुंचा शिव भक्तों का दल। हरदोई में कांवड़ियों संग झूमकर नाचे बीजेपी विधायक। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए सकाहा और गोला का बना विश्व मंदिर में जा रही कांवड़ यात्रा। बीजेपी विधायक ने भव्य स्वागत।
पीलीभीत में गश्त पर निकली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस पर किया फायर, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में 1 घंटे की जबरदस्त बारिश की वजह से सड़कें तालाब बनी, जबरदस्त बारिश ने फूली नगर पंचायत के विकास कार्य को। अयोध्या में प्रदर्शनी के दौरान आपस में भिड़ी लड़कियां, लड़कियों की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज में 300 करोड़ की लागत से बन रहा महाकुंभ म्यूजियम, 15 एकड़ में बन रहे म्यूजियम का 13 चरणों में हुआ निर्माण, 2025 तक तैयार होने की संभावना। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, मामले की जांच कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में मामूली कासूनी के बाद 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कोतवाली देहात के गांव ताजपुर का है वीडियो। लखीमपुर खीरी में सर्विलांस की मदद से 9,15,000 से अधिक कीमत के मोबाइल खोजे गए, पुलिस ने मालिकों को लौटाए खोए हुए मोबाइल। बागपत में दिनदहाड़े गैस कर्मचारी से 32,000 की लूट की वारदात, कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कन्नौज में बंद घर में लाखों की चोरी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बुलंदशहर में साधु की कुटिया से बीती रात 2 लाख रुपए हुए गायब, मंदिर के लिए चंदा कर इकट्ठा की गई थी रकम, पुलिस ने जांच के लिए किया टीमों का गठन। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव, परिजनों ने पैसे के लेन देन को लेकर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सिद्धार्थनगर जिले में भारत नेपाल सीमा पर खाद की तस्करी जोरों पर, खाद की तस्करी से भारतीय किसानों को हो रही है खाद की किल्लत। झांसी माल गोदाम से चावल की बोरी चुराने वाले बदमाशों को राहगीरों ने जमकर पीटा, चोर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। फिरोजाबाद में जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में महिला चिकित्सक की फार्मासिस्ट के साथ अभद्रता का मामला, फार्मासिस्ट ओपीडी कर्मचारी की हड़ताल, अस्पताल में भर्ती मरीजों को हो रही है परेशान। सीपी संजय अरोड़ा ने गृह मंत्री से की मुलाकात, कार्यभार ग्रहण करने के बाद अमित शाह से मिले, संसद भवन में सीपी और गृह मंत्री की मुलाकात। दिल्ली में अमित शाह से मिले सुवेंद्र अधिकारी, पार्थ चटर्जी के साथ घोटाले में शामिल 100 से ज्यादा टीएमसी नेताओं की सौंपी लिस्ट। शिक्षा भर्ती घोटाले में पार्थ के फ्लैट और अभिनेता के पार्लर समेत 4 जगहों पर ईडी की छापेमारी, कैश कांड में 2 और महिलाएं मानसी और मौमिता अधिकारी का नाम भी आया सामने। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हेराल्ड हाउस समेत देश भर में 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी, राहुल का बयान, मेरा वादा है ना हम डरेंगे ना किसी को डराने देंगे। ईडी की कार्रवाई से बौखलाई कांग्रेस, दिल्ली के हेराल्ड हाउस के बाहर प्रदर्शन, हेराल्ड हाउस पर रेड से भड़के कांग्रेसी, पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की हुई झड़प, सोनिया राहुल पर कार्रवाई से नाराज। पात्रा चौल घोटाले में भी ईडी का बड़ा एक्शन, मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी, आदित्य ठाकरे बोले देश देख रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है। ईडी एक्शन के बाद संजय राउत पर बीजेपी का हमला, कहा पात्रा चौल में बहुत बड़ा घोटाला, खराब पतियों को बेची गई 901 करोड़ की जमीन, क्या भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा संजय राउत के करीबी परवीन राउत में घोटाले में शामिल, संजय राउत की पत्नी को पैसे दिए गए, आरोपियों के तार पीएमसी घोटाले से भी जुड़े हैं। शिवसेना नेता अनिल परब पर कसा ईडी का शिकंजा, परब को बयान दर्ज करने बुला सकते ईडी, अनिल परब के 2 ठिकानों समेत 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई। अनिल परब पर नियमों के उल्लंघन करके रिजॉर्ट बनाने का आरोप, अनिल परब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस। अमेरिका ने अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया, 31 जुलाई को काबुल में ड्रोन हमले का दावा। राष्ट्रपति बाइडेन ने लगाई कामयाब ऑपरेशन पर मोहर, ऑपरेशन में कोई हताहत नहीं हुआ, काबुल में सीआईए के ड्रोन हमले में मारा गया जवाहिरी। तालिबान ने कबूल किया काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले की बात, तालिबान ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोहा समझौते का है उल्लंघन। यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस का बड़ा बयान, दुनिया को आगाह करते हुए कहा मानवता परमाणु विध्वंस महज एक गलत फहमी है, एक गलत अनुमान दूर। अमेरिकी मीडिया का दावा ताइवान यात्रा पर जाएगी अमेरिकी की स्पीकर नैन्सी पोलोसी, ताइवान के अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। नैन्सी पोलोसी की संभावित ताइवान यात्रा को लेकर चीन की तीखी प्रतिक्रिया, कहा अगर वो ताइवान जाती है तो चीनी सेना चुप नहीं बैठेगी। अमेरिका ने पलटवार करते हुए कि पोलोसी के लेकर तनाव न बढ़ाए चीन। भारतीय वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने विमेंस 71 किलो वेट कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज, हरजिंदर ने स्नैच में 93 और क्लीन एंड जर्क में 119 किलो का वेट उठाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के जूडो प्लेयर सुशीला देवी ने जीता सिल्वर, 48 किलो वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया रजत, फाइनल मुकाबले में मिकेला वाइटो बोडी से हार का सामना करना पड़ा। जूडो में भारत के विजय आदम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, विजय ने पुरुषों की 60 किलो भार वर्ग में जीता ब्रॉन्ज, उन्होंने सरप्राइज के प्रोटोस क्रोडोलेसी को हराया।
पुरुष हॉकी में भारत इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच 4-4 से ड्रॉ शुरुआती में 3-1 की बढ़त हासिल करने के बाद भी भारत के हाथ से फिसला मैच। भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल का शानदार प्रदर्शन, 51 किलो वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, जीत के बाद पंघाल के घर पर खुशी का माहौल। बॉक्सिंग में ही भारत को मिली एक और जीत, 57 किलो वेट कैटेगरी में मोहम्मद हसमुद्दीन ने बांग्लादेश के मोहम्मद सलीम को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लॉन बॉल्स में भारतीय विमेन स्पोर्ट्स टीम ने इतिहास रचा, टीम ने फाइनल में पहुंचकर कम से कम सिल्वर मेडल का पक्का कर लिया है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा मुकाबला। दूसरे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराया, 5 T20 मैचों की सीरीज एक एक से बराबरी, डोवेन थॉमस ने खेली 31 रन की धमाकेदार पारी। क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने को तैयार BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेले जाने वाले लीजेंड्स क्रिकेट लीग में खेलते नजर आएंगे। न्यूजीलैंड एकमात्र वनडे मैच को स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराया, मार्क चैंपियन ने खेली नाबाद शतक पारी। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के विरोध के बाद एक्टर आमिर खान ने अपना रिएक्शन दिया, आमिर के पुराने बयानों को लेकर सोशल मीडिया में फिल्म को बायकॉट करने की मांग उठने लगी है।